वेलकम बैक टू आर मेडिकल साइंस चैनल तो डी फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में हमने कवर किए थे सौ so क्वेश्चन से कवर किए थे इंपॉर्टेंट से और मैंने आपसे पूछा भी था कि सिफिलिस किसके द्वारा कोच की जाती है ठीक है तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सौ एक नंबर है तो सिफलिस इज कोचड बाई माइक्रोबैक्टिम ट्यूब्रिक्रोसिस ट्रेपिनोमा पेलीडम माइक्रोबैक्टम लैप्री एंड बोरिसला स्पेसिस तो इसको राइट right ऑप्शन जो है वो आएगा सी पेपिनोमा पेलीडम जो होता है माइक्रोबैक्टिम ये ये सिफिलिस टेपिनोमा पेरेडियम जो होता कोज है सिफिलिस कोर्ज करता है ये तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा सी माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूब्रोकलोसी होता है टीबी करता है लेप्रोसी लेप्रो लेप्रो करता है बोरिलाई होता है अदर, अदर डिजीज कोज करता है सेप्टीमे टाइप की कीटोन बॉडीज इज यूरिन आर एसीटोन एसिटोन बिटाड्रोक्स्यूट्रिक एसिड एंड बोथ ए एंड बी तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा कीटोन बॉडीज का सी बोथ ए एंड बी यूरिन के अंदर तीन तरह की कीटोन बॉडीज पाई जाती हैं एसीटोन एचिटो एसिड और बीटा बीटाइडोक्सीब्यूट्रिक एसिड तीन तरह की टर्नबॉडीज होती है यूरिन के अंदर तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए और बी दोनों नेक्स्ट है द कलरिंग एजेंट यूज इन स्टेन द साइटोप्लाज्म इन हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी के अंदर कौन सा कलरिंग स्टेन होता है जो साइटोप्लाज्म को कलर देता है मिथाइलिन ब्लू ईओसिन एक्रीफ्लेविन और सेफ्रानिन तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा हमारा ईसिन ठीक है राइट ऑप्शन हमारा ईओसिन हो जाएगा यहाँ पे ईओसिन जो होता है कि डाई होती है जो हमारी साइटोप्लाज्म कलर देती है ठीक है बेसिक बेसिक डाई जो होती है वो हमारे उसको बेसिक कल बेसिक डाई होती है वो हमारे कलर उसको साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म को तो हमारी ये देती है ईसिन कलर देती है ठीक है और जो बेसिक डाई होती है वो हमारी मेथाइलिन ब्लू एक्रीफ्लेविन और सेफ्रेनिन ये हमारी बेसिक डाई होती हैं और आपकी मेलाजिट ग्रीन होगी क्रिस्टल वॉयलेट ये सभी हमारी उसको बेसिक डाई होती हैं तो ईसिन जो होती है ये आपकी साइटोप्लाज्म को कलर देती है और जो बेसिक डाई होती है वो आपके न्यूक्लियस को कलर देती है मिथाइलिन ब्लू एक्व फ्लेवन जो मिथाइलिन ब्लू होती है हम लोग स्टेन में यूज़ करते हैं बेसिकली आप लोग लिस्ट स्टेन वगैरह में यूज़ करते हैं एक्री फ्लेविंग जो होती है उन्नीस में पोल एरलिक ने इसकी खोज की थी एक् एक्रीफ्लेवन की एक डाई होती है जर्मन फिज, जर्मन जर्मन रिफेचर थे वह उन्होंने इसकी जो जो ये जो डाई थी इसका उन्होंने यूज़ किया था स्लीपिंग सिकनेस के लिए और एक एंटीसेप्टिक के तौर पे फर्स्ट वर्ल्ड वार में इसको यूज किया था सेफ्रनिन जो होती है इसको हम यूज करते हैं ग्राम स्टेन के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्ट कलर देती है पिंक कलर देती है ये इसको काउंटर स्टेन भी ग्राम स्टेन के अंदर जो होती है इसको काउंटर स्टेन के तरह बेस पे यूज करते हैं इसको हैंड सैनिटाइजर शुड नाट बी यूज इन विच कंडीशन हैंड सैनिटाइजर जो होता है उसको किस कंडीशन में यूज़ नहीं करना चाहिए बिफोर टचिंग पेशेंट आफ्टर टचिंग पेशेंट आफ्टर टचिंग पेशेंट सराउंडिंग हैंड्स आर विजिबली सोइल्ड तो राइट ऑप्शन इसका आ जाएगा हमारा सी हैंड्स आर विजिबली सोल्ड अगर हाथ गंदे होते हैं हमारे तो उस टाइम पर हम उसको सैनिटाइजर को यूज़ नहीं करते अगर मिट्टी वगैरह लगी हुई होती है वैसे गंदे होते हैं उसमें यूज़ नहीं करते इसको द ओनली सेल प्रजेंट इन नॉर्मल सी एस एफ कौन सा सेल जो होता है नॉर्मली सी एस एफ के अंदर जो प्रजेंट होता है ठीक है तो सी एस एफ का पूरा चैप्टर मैंने के आपको क्लिनिकल पैथोलॉजी मिल जाएगा हमारा पूरा वीडियो डाल रखी मैंने सी एस एफ अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है बहुत सारी वीडियो है उनका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसमें देख सकते हैं आप ठीक है क्लिनिकल पैथोलॉजी चैप्टर पर जाएंगे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है सी एस एफ का पूरा डीपली एक्सप्लेन कर रखा है मैंने उसमें आप देख सकते हैं और ये सभी इंपॉर्टेंट एमसी क्योंकि जो अभी आने वाले एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है इनसे एम्स जोधपुर का एग्जाम आएगा एम्स रायपुर का इसका भुवनेश्वर का ऋषिकेश का और पी जे चंडीगढ़ का जूनियर मेडिकल लाइट टेक्निशियन का ठीक है तो कोई भी एग्जाम आता है अगर इन क्वेश्चंस का भी एक बार रट लेंगे ना तो आपको इन फ्यूचर में कभी ना कभी काम आएंगे ये और इनको मैं पूरा डीपली से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सभी के साथ तो द ओनली सेल प्रजेंट इज नॉर्मल सी एस एफ देखो सी सी एस एफ के अंदर नॉर्मली सेल प्रजेंट कौन सा होता है आपका लैम्पोसाइड जो होता है वो आपका नॉर्मली काउंट होता है सी एस एफ के अंदर ठीक है अदर स्नोफिल जो होते हैं वो पायोजेनिक होते हैं ठीक है बैक्टीरिया मिलते हैं उसके अंदर पा एबनॉर्मल कंडीशन होती है, है? है, है इसका मिलना आपका न्यूट्रोफिल का ठीक है लैम्पोसाइड आपके जीरो से लेकर दस तक नॉर्मल होता है अगर वो भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो कुछ कंडीशन हो सकती है कुछ प्रॉब्लम लेकिन वैसे नॉर्मल काउंट होते हैं अगर ज़्यादा भी मिल जाएंगे तो भी न्यूट्रोफिल आपका पायोजेनिक मैनजाइटिस कोच करता है नाइजीरिया नाइजीरियाप्टोकोकाई स्टेप्टो स्टेपाइलोकोकाई और निमोकोका ये आपके मैनजाइटिस न्यूट्रोफिल कंडीशन में बढ़ते हैं ठीक है मोनोसाइड क्या होता? होता है आपका वही एक इन्फेक्शन होता है आपका मोनोसाइट और लैम्पोसाइड मिक्स इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में आपका मोनोसाइड बढ़ जाता है टीबी में बढ़ता है फंगल में सिफिलिस शिफली, में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इन सभी के अंदर मोनोसाइट आपके बढ़ जाते हैं विच ऑफ फोलोइंग सेल्स इज नॉट ए डब्ल्यू बी सी इन सभी में ऐसे डब्ल्यू बी सी सेल्स कौन सा नहीं है न्यूट्रोफिल मोनोसाइट्स बेस्टोफिल ये हमारे सभी डब्ल्यू बी सी होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के पा पाँच टाइप के होते हैं न्यूट्रोफिल्स लैम्पोसाइट मोनोसाइट स्नोफिल ठीक है तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारा आएगा वो आएगा डी थ्रोमोसाइड थ्रोमोसाइड जो होता है ब्लड सेल्स होता है बट वो डब्लू बी सी का पार्ट नहीं होता है ग्लूकोज मेमरी टेस्ट इज ग्लूकोज मेमोरी टेस्ट कौन सा होता है इसमें आर बी एस जी टी टी पी पी बी एस और एच बी एन सी तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर आएगा एच बी एन सी तो ग्लूकोज की जो एक एवरेज होती है थ्री मंथ की एवरेज वो हमारे एच बी एन सी से पता चलती है ठीक है टेम्परेचर रेंज यूज़ फॉर ऑटो क्लेविंग ऑटो क्लेविंग हम किस टेम्परेचर पर करते हैं तो ओटो क्लेविंग जो हमारे टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं हम एक सौ इक्कीस पे पंद्रह मिनट के लिए पंद्रह पी एस आई हाँ पे यूज़ करते हैं इसको ऑटोक्लेव को ठीक है ये आप ऑटोक्लेव देखो ठीक है ये तो आपका हो जाएगा अब आउ है हंड्रेड डिग्री सेंटी टेम्परेचर पर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हमारा इसमें उसको स्टेलाइजेशन का पार्ट है अभी करेंगे ना उसमें आप देखना ठीक है लेस देन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका पाइस्ेशन आ जाएगा नंबर एक वाला ऑप्शन वो है आपका पाइस्राइजेशन होता है लेस हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे और आपका एक होता है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको आपका बॉइलिंग में आ जाता है और एक होता है आपका मोर देन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड वो आपका ऑटोक्लेव में आ जाता है ठीक है तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ पे सी डाइट्री फैट्स आर ट्रांसपोर्टेड एज डायट्री फैट जो होती है जिनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं आपकी काइलो लिपिड ग्लोब्यूल्स लाइपोसोम्स ऑयल ड्रोपलेट्स तो राइट ऑप्शन हमारे इसमें आ जाएगा काइलोमाइक्रोन जो होते हैं वो डायट्री प्रोडक्ट्स के द्वारा इंटेस्टाइन के द्वारा लीवर में ट्रांसपोर्ट होती रहती है तो ये काइलो इसमें आ जाएंगे हमारी नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड ब्लड का कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं ऑटो एनालाइजर का हमेटोक्रिट का मैग्नेटिक स्टेर का ठीक ऑटो एनालाइजर का हम किस में यूज़ करते हैं सी वगैरह हमारे ऑटो एनालाइजर होते हैं इमेटोक्रिट हमारा पी सी भी होता है मैग्नेटिक स्टेर होता है हम किसी चीज़ को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर सेंटर फ्यूज सेंटर फ्यूज होता है अलग अलग स्पीड पे यूज़ किया जाता है ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए ब्लड बैंक में आपके सेंटर सेंटरफिज होते हैं वो अलग होते हैं नॉर्मल लैब के अंदर सेंटरफीज हम कम स्पीड पर यूज़ करते हैं तो ये हमारे बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए बोला है यानी कि आर है प्लेटलेट आप प्लाज्मा है सीरम है उसको अलग अलग -आला करते हैं तो उस चीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे पूछा है तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे बी अडल्टमोग्लोबिन ट्रांसमेटेड अडल्ट हेमोग्लोबिन टेराीटर ऑफ अडल्ट हीमोग्लोबिन हमारा जो होता है कौन सी चेन से मिलकर बना होता है ठीक है तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा जो अल्फा एंड बीटा चेन से मिलकर हमारा अडल्ट हीमोग्लोबिन होता है इसकी वीडियो मैंने बना रखे हीमोग्लोबिन की वो आप देख सकते हैं उसमें जाके हिमाटोलॉजी की प्लेलिस्ट सेलेक्ट कीजिएगा उसके अंदर आपका कंप्लीट हिमाटोलॉजी का चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे वाट इज द लाइफ लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स प्लेटलेट का लाइफ स्पेंड क्या होता है यहाँ पे एक से सात दिन आठ से दस दिन सात चौदह डेज और वन मंथ ठीक है तो यहाँ पे अक्सर मोस्टली आपको बुकों में एक अंदर मिलेंगे अलग अलग टाइम मिल जाता है लाइफ प्लेटलेट का लाइफ स्पेन जो होता है तो यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन आएगा हमारा आएगा आठ से दस दिन का ठीक है कहीं कहीं पर आपको सात से दस दिन भी मिल जाएंगे कहीं पर आपको सात से चौदह दिन भी मिल जाएंगे तो ये चीज़ आपको बड़े ध्यान से देखनी होगी कि इन्होंने ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर ठीक है अलग अलग बुकों में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाता है तो मोस्टली आपको सात से दस दिन यहाँ पे मिले मिलते हैं किताबों में ठीक है तो ये आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं तो वो आपको देखना पड़ेगा ये नहीं कि आपने सात से दस दिन किसी ने बता दिया तो आपको भई रटना है क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा वो भी आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इसमें तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर आएगा बी विच ऑफ फॉलोइंग आर पोस्ट स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन सिक्वेंस ठीक है सिक्वेल सिकवल यानी पोस्ट स्टेप्टोकल इन्फेक्शन का सिक्वल क्या है भाई कौन सा सिक्वल जो है इसमें तो इसको देखिए एक्यूट रेमेटोड फीवर फेरेंगटिस है एम्पेटिगो और सेलुलाइटिस तो इसका जो पोस्ट इन्फेक्शन का पोस्ट स्टेप्टोकल का राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा एक्यूट रेमेटोड फीवर आएगा ठीक है और जो सेलुलाइटिस जो होता है ये आपका बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन होता है यहाँ पर और फेरेंगाइटिस जो होता है ये भी आपका फेरिंगटिस जो हमारे गले में इन्फेक्शन होता है फेरिंग्स उसके अंदर इन्फेक्शन होता है और एम्पेटी जो होता है वो आपका स्किन इन्फेक्शन होता है कोजिस की रेडने रेडनेस सो, सोर्स हो जाते हैं स्किन पे और फेस के ऊपर ठीक है ये आपका स्टेप वाइलोकोकस है स्टेप्टोकोकस है पायोजेनस है इन सभी से मिल के इन्फेक्शन हो जाता है तो राइट ऑप्शन हमारा आ गया यहाँ पे ए नेक्स्ट हमारा 114 एक्सट्रैक्शन ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ डिजीज टिश्यू टू स्टडी एंड डायग्नोसिस कोल्ड ठीक है इन्फेक्ट टिश्यू को हम डिटेक्ट काटते हैं बॉडी से एक्सक्रेशन करते हैं उसका उस कंडीशन को क्या कहते हैं तो हिस्टोलॉजी का जो ऑप्शन आता है आपको दो तरह के सैंपल्स से लिए जाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर ओटोपसी और बायोप्सी ठीक है ओटोपसी जो होता तो है आपको डेड बॉडी से लिया जाता है कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उसको पोस्टमार्टम करते हैं वहाँ से लेते हैं हम ओटोपसी का सैंपल सिर्फ आपको यह ध्यान रखते है बायोप्सी का सैंपल आपका लिविंग बॉडी से लिया जाता है इन्फेक्टेड टिश्यू का कोई भी टिश्यू आपका लीवर का है किडनी का है स्किन का है कोई भी इन्फेक्टेड हो रखा है बीमारी हो रखी है उसमें तो उसको हम ये पता लगाते हैं भाई ये किस की वजह से हो रखा है आपको कोई मेडिसिन की वजह से हुआ है कोई बीमारी की वजह से कौन सी बीमारी है कौन सा बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये होता है आपका नेक्रोसिस जो होता है नेक्रोसिस का मतलब होता है कि टिश्यूज का सेल्स का डेड हो जाना ठीक है थ्रू डिजीज़ ऑफ द और इंजरी इंजरी के द्वारा कोई भी डिजीज के द्वारा आपके टिशू जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं डेथ हो जाते हैं उनकी वो उस कंडीशन में बोलते नेक्रोसिस एंडोस्कोपी आपकी हम एंडोस्कोपी पेट वगैरह के करते हैं इंटेस्टाइन कोई इन्फेक्शन हो जाता है ठीक है पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम पे एंडोस्कोपी की जाती है ये एक अलग मेथड है अलग टेक्निक है तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा बी का द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ फूड पॉइजनिंग यहाँ पे ये यह वेरी इंपॉर्टेंट एमिसिक्यूज आपको ज़्यादा एग्जाम्स वगैरह में मिलते हैं फूड पॉइजनिंग अक्सर बहुत सारे बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको देखना है कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमिशिक्यूज आपका फूड पॉइजनिंग ठीक है पर परफ्रिजेस कोलस्टेडियम बोटोलिजम कोर्नी बैक्टीरिया डिपथीरिया कोलस्ट्रेडियम टेटिनी तो इनमें से ज़्यादा का जो है आपको देखो फूड पॉइजनिंग में दो तरह की चीज़ों का ध्यान रखना है एक तो फूड पॉइजनिंग होती है आपको डेयरी प्रोडक्ट खाने से एक फूड पॉइजनिंग होती है आपको चाइनीज़ प्रोडक्ट खाने से दूसरी चीज़ आपको देख टाइमिंग पीरियड दे रखा है कि नहीं दे रखा अगर आपको छः घंटे से लेस देन सिक्स आवर्स है तो आपको अलग बैक्टर से फूड पॉइजनिंग होती है अगर छः घंटे ज़्यादा टाइमिंग हुआ है तो वो दूसरे बैक्टर से होती है ठीक है तो इन चीज़ों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दे रखे इन्होंने तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा इसको आ जाएगा हमारा बी का कोलेस्टेडियम बोटुलिज्म ये फूड पॉइजनिंग इससे हुई होती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है यहाँ पे और आपको मैं एक ऑप्शन बता देता हूँ स्टेप ओरियस से फूड पॉइजनिंग होती है बेसिलस सरकस से फूड पॉइजनिंग होती है अगर इनक्यूबेशन सिक्स आवर से लेस दैन सिक्स आवर है तो आपका स्टेप ओरियस डेयरी प्रोडक्ट करता है अगर डेयरी प्रोडक्ट आपने केक खाया है पेस्ट्री खाई कुछ भी खाई है तो उसको स्टेप फाइलो ओरियस से आपको फूड पॉइजनिंग वहाँ पर ओरियस ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपका अगर आपने चाइनीज प्रोडक्ट कोई भी खाए हैं तो वहाँ पे बीटा सरकस बेचिला से सरकस बेचिला सरकस ये आपका चाइनीज़ प्रोडक्ट से फूड पॉइजनिंग होती है बेचलर सरकस ठीक है तो इन चीज़ों चार पाँच चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर टाइमिंग देखना है पेशेंट्स ने क्या खाया है उस पर वे चीज़ों पर देखनी है फूड पॉइजनिंग में आपने क्या चीज़ खाई है डेयरी प्रोडक्ट खाए हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट खाए हैं क्या खाए हैं उसके हिसाब से आपको ऑप्शन करना है तो यहाँ का जो ऑप्शन आएगा राइट right ऑप्शन आएगा कोल्ड स्टोडियम बोटोलिज्म आएगा वट डू क्यू ए एंड क्यू सी स्टैंड फॉर अगर आप लैब में काम कर रहे हैं तो आपने लैब में देखा होगा एक क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं एक क्वालिटी है एश्योरेंस होते हैं ठीक है तो क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या होता है हम वो डोकुमेंटेशन तैयार करते हैं जो हमें क्वालिटी कंट्रोल में यूज़ करने होते हैं ठीक आपको कैसे क्वालिटी कंट्रोल को चलाना है कौन कौन सी फाइलें बनानी होती है आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है क्या प्रोसीजर है हर चीज़ को आपको रिटर्न में रखना होता है हर चीज़ का डॉक्यूमेंट बना के रखना होता है वो आपका क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या होता है आपकी मशीन में क्वालिटी कंट्रोल कौन से चलाने हैं कितने चलाने हैं कितने टाइम पे चलाने, चलाने होते हैं उनका मोनिटर करना वो सब चीज़ें आपके क्वालिटी कंट्रोल्स होती हैं तो क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारे यहाँ पे सी एक्रीडेशन ऑफ लैब रेफरेंस टू वन ऑफ फॉलोविंग्स एक्रीडेशन ऑफ लैब रेफरेंस हम क्या क्या रेफरेंस वन ऑफ फॉलोइंग्स में क्या था मेक असमेंट मेक केयर कॉस्ट इफेक्टिव इंश्योरेंस क्वालिटी मिटिंग प्रिडक्टी स्टैंडर्ड ठीक है तो राइट ऑप्शन इसका हमारा आएगा इंश्योरिंग क्वालिटी एक्रीडेशन हम करते हैं एन ए बी एल का एन ए बी एच का वो क्या करते हैं हमें वो हमें क्वालिटी को अच्छा मैंटेन करने के लिए वो करते हैं हम उसमें क्वालिटी अपनी क्वालिटी को अच्छे बेहतर बनाते हैं इसलिए हमें जो भी अपनी उनकी गाइडलाइंस होती हैं तो वो गाइडलाइंस देते हैं उन चीज़ों को हम लोग फॉलो करते हैं वहाँ पे ठीक है तो ये इंश्योरिंग क्वालिटीज़ आएगा यहाँ पे राइट ऑप्शन नेक्स्ट हमारा 118 तो का हाउ इज़ डेंगू डिटेक्टेड इन ब्लड ब्लड के अंदर आप डेंगू कैसे डिटेक्ट करते हैं लो लेवल आर लो लेवल डब्ल्यू लो लेवल, लेवल प्लेटलेट आप सभी जानते हैं कि डेंगू के टाइम डेंगू के अंदर क्या होता है हमारे प्लेटलेट्स जो होती है वो लो हो जाती है थ्रोम्बोसाइटोपीनिया हो जाता है वहाँ पर थ्रोम्बोसाइटो मतलब होता है लो प्लेटेड काउंट थ्रोम्बोसाइटोसिस का होता है प्लेटेड हाई तो राइट right ऑप्शन आएगा हमारा यहाँ पे सी आएगा लो लेवल ऑफ प्लेटेट्स डेंगू के अंदर प्लेटेट्स का लो लेवल हो जाता है तो, प्लेटेट के बारे में मैं अपनी वीडियो बना रखी वो भी हिमाटोलॉजी की प्लेलिस्ट में है और डेंगू के बारे में मैंने वीडियो बना रखी कितने मैथड्स होते कैसे कैसे फैलता है पूरी डिटेल्स उसमें दे रखी अगर आप देखना चाहो तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ पर हिमाटोलॉजी प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी फैट स्टोरिंग सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर कोल्ड फैट हमारे किस में स्टोर होती है ठीक है हेप्टोसाइट्स एस्ट्रोसाइट्स एडिपोजसाइट्स मेलिनोसाइट्स ठीक है तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा एडिपोज टिश्यू होते हैं एडिपोज टिश्यू ठीक है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा हमारा एडिपोसाइट्स आएगा सी हेप्टोसाइट्स क्या होता है देखो हेप्टोसाइट्स लीवर के अंदर पाए जाने वाले सेल्स होते हैं हेप्टोसाइट्स ब्रेन में ठीक लीवर के अंदर पाए जाते हैं हेप्टोसाइड से और एस्टोसाइड्स क्या होते हैं ये आपके ब्रेन के अंदर मिलते हैं ग्रे मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं स्टार शेप के होते हैं ठीक है एस्टोसाइड से मेलिनोसाइड क्या होता है मेलनिन जो हमारा हॉर्मोन होता है तो हमारी स्किन को कलर देता है मेलिनोसाइट्स ठीक है तो मेलनिन से बना ये मेलिनोसाइड्स मेलनिन जो होता है हमारी स्किन को डार्क पिगमेंट देता है जो हमारी काली स्किन होती है ब्लैक स्किन होती है जो डार्क कलर के लोग होते हैं अफ्रीकन वगैरह के तो वहाँ पर उनकी बॉडी में क्या होता है मेलिन हॉर्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होती है तो मेलन जो आपके स्किन को कलर देता है फॉर्मिंग ठीक है फोर स्किन कलर्स नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ़ फॉलोइंग डिवाइस आर यूज टू मेंटेन स्ट्राइल इन्वायरमेंट विच वर्किंग विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपका लेमिनार फ्लो वाटर बाथ इंक्यूबेटर्स माइक्रोवेवस विच ओ फॉलोइंग डिवाइस आर यूज टू मैंटेन इस्टल इन्वायरमेंट वाइल वर्किंग विद द माइक्रो ऑर्गेनिजम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक मैंटेन स्ट्राइल स्ट्राइल इन्वायरमेंट रखता है वो कौन सा डिवाइस होता है यहाँ पे ठीक है लेमिनार एयरफ्लो होता है ये भी माइक्रोबाइल में लैब में यूज किया जाता है माइक्रोवेव अलग होता है वाटरबाथ आपको पता अलग होता है तो यहाँ पर जो राइट कल ऑप्शन आएगा हमारा इंक्यूबेटर आएगा जब भी हम कल्चर वगैरह लगाते हैं तो इनक्यूबेटर में रखते हैं तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेज जो होते हैं वहाँ पे उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम टेम्परेचर उनको मिल जाता है वहाँ पर वो ग्रो करते हैं ठीक है और वहाँ पर वो इस्ट्राइल भी होते हैं उसके अंदर और कोई बैक्टीरिया अंदर बाहर से नहीं जा सकते हैं इस्ट्राइल का काम भी करता है हमारे इनक्यूबेटर में हम इस्ट्राइल वगैरह करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ा के करते हैं उसमें यूज़ करते हैं ठीक है ए सेक्शन डिवाइस यूज टू ड्रो अप ए लिक्विड इज ए सेक्शन डिवाइस आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ग्रेजुएटेड सिलेंडर बिकर सेफ्टी बल्ब ठीक है ए सेक्शन डिवाइस यूज टू ड्रो अप लिक्विड लिक्विड चीज़ को आप कैसे ड्रो अप करते हैं तो सेफ्टी बल्ब होता है आपने देखा होगा आप से पेपिट्स होते हैं उसके ऊपर एक रेड कलर का रेड कलर का बोल्ब सा लगा होता है वो बल्ब होता है उसको बल्ब बोलते हैं है। उससे हम दबाते हैं और फिर किसी भी चीज़ को लिक्विड चीज़ को उसमें ऊपर सक करते हैं फिर उसको हम दूसरे ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर लेते हैं ट्रांसफर कर लेते हैं जैसे पाँच तरफिट होती है हमारी उस तरह से तो उसमें सेफ्टिबल्प आएगा इसमें राइट ऑप्शन हमारा नेक्स्ट है हमारा वन ट्वेंटी टू एनीमिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एनीमिया किसकी कमी से होता है हमारा हीमोग्लोबिन फाइब्रिन थ्रोम्बिन न्यूट्रोफिल सभी को पता था हीमोग्लोबिन की मात्रा लो हो जाती है हमारे ब्लड के अंदर तो उस मात्रा उस कंडीशन में हम एनीमिया कहते हैं तो एनीमिया की दो वीडियो बना रखी है मैंने दोनों वीडियो बहुत अच्छी हैं आप उनको जरूर जाकर देखिएगा उसके अंदर मैंने पूरा आपको पी के बारे में बता रखा है और एनीमिया किस कंडीशन में होते हैं कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं किस कंडीशन में डेफी वो आयरन डेफरस एनीमिया क्या होता है हिमोलाइटिक क्या होता है कौन कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं सब पूरी जानकारी उसके अंदर मैंने बता रखी है इफ़ द ब्लड ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप इज़ मिक्सड टूगैदर तो वट प्रॉब्लम इज ऑब्जर्व अगर हम दो अलग अलग, 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 अलग ब्लड ग्रुप को मिक्स करते हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप मिक्स टूगैदर तो वट प्रॉब्लम कोगुलेशन बन जाएगा वहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाएगा एम्बोलिज्म बन जाएगा वहाँ पर या एग्लुटिनेशन बन जाएगा जब भी हम ब्लड ग्रुप करते हैं एक एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होता है ए ब्लड ग्रुप बी एंटीबॉडी होती है ना ऐसे होती हैं उसके अंदर तो वो तभी एक दूसरे के ऊपर एग्लूटेशन करती हैं अगर सेम सेम होते हैं तो एग्लूटेशन नहीं होता है तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा एग्लूटिनेशन विच अथॉरिटी सेट्स स्टैंडर्ड फॉर लेबोरेटरी इन इंडिया लेबोरेटरी के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं एन ए बी एच एन ए बी एल डी आर डी ओ एन बी आर आई तो लेबोरेटरी के लिए हम लोग करते हैं एन ए बी एल नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज़ ये हमारे एन ए कोई भी आपने बड़ी बड़ी लैब होती है डॉक्टर लाल है सारल है और भी अदर लेबोरेटरी कोई भी बड़ी सियारल है देखा होगा आपने एन ए बल एक्रेडेड एन ए बल एक्रेडेड लिखा मिलता है वहाँ पर तो उनका मतलब ये होता है भाई इन्होंने ये लेबोरेटरी जो आपके स्टैंडर्ड यूज कर रही है एन ए के अकॉर्डिंग काम करती है ये ठीक है एन ए आपका होता है हॉस्पिटल्स के लिए एन ए किसके लिए होता है हमारा नेशनल एक्रेडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं फोर्टिस है स्कोर्ट है ठीक है मैदानता ये सब एन ए बी एच के अकॉर्डिंग काम करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन रखते हैं अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं कंप्लीट अपना उस हिसाब से रखते हैं एन ए बी एच के अकॉर्डिंग्स तो वे स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके यूज़ करने के एन क्या होता है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट और ये हमारा लोकेटेड है लखनऊ में यूपी के अंदर पड़ता है डी पता है आप लोगों को डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डी आर डी ओ जहाँ पे विच ऑफ़ फॉलोइंग इज़ एग्जाम्पल ऑफ एपीमर्स एपीमर्स का एग्जाम्पल्स क्या है इनमें से तो एपी का एग्जाम्पल इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा हमारा ग्लूकोज प्लस में ग्लेक्टोज एपीमर्स ठीक है नेक्स्ट है विच टेस्ट इज़ स्पेसिफिक फॉर द कीटोन बॉडीज कीटोन बॉडीज के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं फाउचे टेस्ट है टेस्ट गैम्बलिन टेस्ट या रोथरा टेस्ट किटोन बॉडीज के लिए हम यूज करते हैं रोथरा टेस्ट होता है ठीक है तो इसके अंदर तीन चार केमिकल्स होते हैं हमारे रोथरा के अंदर में नाइट्रोप्रोक्साइड होती है लिक्विड अमोनिया होता है क्रिस्टल अमोनिया होता है और ये आपका यूरिन का सैंपल लेके हम इसमें करते हैं तो रोथरा टेस्ट होता है हमारे कीटोन बॉडीज के लिए ठीक है और फाउचर है हमारा बाइल पिगमेंट के लिए होता है और हे टेस्ट होता है ये बाइल टेस्ट होता है बाइल साल्ट के लिए होता है और गैमलिन टेस्ट होता है हमारा बाइल पिगमेंट के लिए होता है और जो गैमलिन टेस्ट है ये एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है लियोपोल्ड पोल्ड गैमलिन साइंटिस्ट थे उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है गैमलिन टेस्ट वोट कलर कोड इज़ यूज फॉर पर्सन सफरिंग फ्रॉम कार्डिक अरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ये हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल लैब टैक्स काम करते हैं जो भी स्टाफ काम करता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हॉस्पिटल्स के अंदर आपके अलग अलग कोडिंग होती है एमरजेंसी कोडिंग होती है तो किसी को हार्ट अटैक आता है कोई बच्चा चोरी हो जाता है आग लग जाती है भूकंप आ जाता है उस टाइम पे वो ये कि उन्होंने कोड बना कर रखते हैं रिसेप्शन पे या जहाँ पे भी होते हैं वो उसको अनाउंस कर देते हैं तो उससे पब्लिक समझ जाती है भाई कोई बच्चा चोरी हुआ है या किसी को हार्ट अटैक हुआ है क्या हुआ है ऑटोमेटिक समझ जाते हैं तो वो कलर कोडिंग है यहाँ पे तो मैं आपको बता देता हूँ देखिए रेड कलर ब्लू कलर डार्क ब्लैक कलर ग्रीन कलर तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आएगा कार्डिक अरेस्ट का कार्डिक अरेस्ट का आएगा हमारा ब्लू कलर ठीक है अब यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी कलर्स हैं उनके बारे में बताता हूँ तो सबसे पहले हम बताएं रेड कलर रेड कलर जो हमारा ये है फायर के लिए अगर आग लग जाती है तो वो हॉस्पिटल्स के अंदर अनाउंस करते हैं ये आपका आ जाएगा रेड कलर और कार्डिक अरेस्ट के लिए आपका जाएगा ये ब्लू कलर और इसके साथ में रिस्पायरेटरी अरेस्ट है आपका स्ट्रोक वगैरह पड़ जाता है उन सभी में ब्लू कलर ही ब्लू कलर कोड अनाउंस करते हैं और जो आपका ब्लैक कलर होता है ये आपका बम थ्रेट वगैरह धमकी मिलती है कोई बम वगैरह रख देता है वहाँ उस पे उस टाइप पर ब्लैक कोड अनाउंस करते हैं और ग्रीन कलर जो होता है वो आपका एमरजेंसी एक्टिवेशन के लिए होता है ग्रीन कलर एमरजेंसी एक्टिवेशन के लिए होता है और जो येलो कलर्स होते हैं वो डिज़ास्टर के लिए होते हैं भूकंप वगैरह आ जाता है उसमें येलो कलर्स डिज़ास्टर के लिए होता है पिंक कलर अगर कोई बच्चा चोरी हो जाता है बेबी मिसिंग वगैरह हो जाता है तो उसका हमें, हमें पिंक कलर का इस्तेमाल करते हैं ऑरेंज कलर जो होता है हमारा ऑरेंज कलर जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हजरस वगैरह मेटल्स वगैरह स्पिल हो जाता है कोई भी इंसिडेंट हो जाते हैं बायो हजर का इंसिडेंट हो जाता है उसके लिए आप ऑरेंज कोड यूज़ करते हैं और वाइट कोड जो होता है इवोकेशन के लिए होता है निकास वगैरह के लिए आपको अगर आग लगी हुई है तो उसके लिए निकलना है वहाँ से खाली जगह वगैरह करवानी होती है उसके लिए वाइट कोड आपको अनाउंस करना होता है तो ये कोड है इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ये नहीं है आपने वीडियो में देख लिया फिर उसके बाद छोड़े याद हो गए इन चीज़ों को नोट करके रखिए जब भी आप कभी एग्जाम वगैरह देने जाते हो ना तो जल्दी जल्दी में एक बार रिवीज़न करके जरूर जाना चाहिए विच ऑफ फॉलोइंग सैम्पल्स ही यूजली टेकन फॉर द लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं ब्लड सैंपल से इंटेस्ट ऑन बायोपसी स्पूटम यूनिट सैंपल्स तो राइट right ऑप्शन हमारे यहाँ पर आ जाएगा ए लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए हम ब्लड सैंपल यूज करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग इज द नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम इंक्रीज इन एल्कोहलिक सब्जेक्ट्स इनमें से कौन सा एंजाइम्स है नॉन एल्कोहलिक नॉन फंक्शनल प्लाज्मा एंजाइम इनके इन एल्कोहलिक सब्जेक्ट है ठीक है एल्कोहलिक कंडीशन में कौन सा ऐसा एंजाइम्स हो जो बढ़ जाता है जो काम नहीं करता है तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा जी जी टी गामा ग्लूटाम ट्रांसमाइनेजो होता है ये कैसा एंजाइम्स होता है जो आपका एल्कोहल वाले पेशेंट्स में अक्सर बढ़ के आता है कुछ ज़्यादा विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम इज यूज इन पी सी आर पी सी आर में कौन सा एंजाइम्स यूज करते हैं हम लोग तो राइट ऑप्शन आ जाएगा टी ए क्यू ऑप्शन आएगा सी टैक टी एन ए पोली ये इसमें यूज करते हैं और आपका जो एच आर पी है डी ऑप्शन में आएगा हॉर्स रेडिस एंजाइम और आपका ए जो ऑप्शन है एक् आर वन वन ये भी आपका आर एन ए मोलिकुल वगैरह में यूज करते हैं मोस्टली मोलिकूल वगैरह में होते हैं ऑप्शन डी जो एच आर पी ये आपका एलाइजा वगैरह में यूज होते हैं तो जो भी मोलिकुल वगैरह में रिजेंट्स होते हैं यूज उनके शॉर्ट कोट शॉर्टकट फॉर्म से इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं तो इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखे कौन सा अब जो जैसी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे भाई ये कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं तो आप उन्हीं चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा अगर जो मोलिकुलर वगैरह हम कौन कौन से एंजाइम्स यूज किए जाते हैं उनको नोट कर लिए कौन से बफर्स यूज किए जाते हैं पी सी आर में कौन कौन से बफर यूज किए जाते हैं उन चीज़ों के आप एक एम सी क्यूज बना लीजिए अपने पास में नोट डाउन करके रखिए और जब भी कोई एग्जाम वगैरह होता है उन चीज़ का पेपर रिविज़न करके चले जाइए विच ऑफ फॉलोइंग एमिनो एसिड इज द प्रिकोर्सर फॉर द दसिस ऑफ थारॉयड हॉर्मोन्स इनमें से कौन सा थायरोड हार्मोन को सेंथेसिस करता है ठीक है तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ पे टायरोसिन टायरोसिन जो होता है हमारे थायर हार्मोन को सेंथेसिस करता है ये प्रिकॉशर्स हैं यहाँ पे और इसके अलावा थायरोक्सिन जो होता है टायरोक्सिन है ये सब भी इसको सेंथेसिस करते हैं हॉर्मोन्स को एक्सेसिव थ्रिस्ट कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अधिक प्यास लगती है उस कंडीशन में हम किस नाम से जानते हैं बार बार प्यास लगती है आपको ठीक है पोलीफेगिया जो होता है ये होता है एक्सेसिव ईटिंग आपको भूख ज़्यादा लगेगी पोलिफेजिया ये ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको बार बार किताबें मिलते नहीं है तो इन चीज़ों को आप नोट करके रखिए है पोलीफेगिया क्या होता है एक्सेसिव ईटिंग और इसका ऑप्शन का जो राइट ऑप्शन आएगा इसका आंसर जो आएगा वो आएगा पोली डिप्सिया में आपको बार बार प्यास लगती है पोली यूरिया यूरिन का अधिक एक्सक्रिएट होना यूरिन का ठीक है और हाइड्रोफीले क्या होता है इसके अंदर आपके जो मोलिक्यूल्स होते हैं ना कुछ मोलिक्यूल्स होते हैं वो पानी की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं हैविंग स्ट्रॉन्ग एफिनिटी ऑफ फॉर वाटर है पानी के प्रति उनकी ज़्यादा वो होती है अट्रैक्शन वगैरह होती है तो हाइड्रोफीलिया उस कंडीशन को कहते हैं स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है वाटर के फॉर वाटर नेक्स्ट हमारा नेम द हॉर्मोन प्रोड्यूस बाय पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है हार्मोन प्रोड्यूस पिट्यूटरी ग्लैंड देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है टी आर एच टी एस एच इंसुलिन टी फोर अगर किसी भी ऑप्शन में आपको एक से दो ऑप्शन दो तीन ऑप्शन का प, दो ऑप्शन का पता चल जाता है तब भी आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं ठीक है टी फोर हमारा थायरॉइड से निकलता है इंसुलिन हमारा पैनकलर से निकलता है टी आर एच बच गया अगर इसका अड्डा दो, दोनों के अंदर आपको पता है अगर फुल फॉर्म भी पता है तब ये कार्ड आप आइडिया लगा सकते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा टी एच एच सीक्रेट होता है और जो टी आर एच होता है ये होता थायरो, है थायरोड थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हारमोन थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हारमोन होता है ये क्या है? करता है स्टूमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टूमुलेट करता है टी एच एच को रिलीज करने के लिए ठीक है और टी आर एच जो हमारा था हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है टी फोर आप टी थ्री टी फोर थाइरोडग्रैंड से सिक्रेट होते हैं इंसुलिन पेनिक्रिया से सिक्रेट होता है ठीक है इस तरह से इन चीज़ आप नोट करके रखेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा द मेजोरिटी ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर मेजोरिटी आयरन किसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है तो राइट ऑप्शन हमारा आएगा यहाँ पे डी विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट हीट मैथड स्टेलाइजेशन स्टिलाइजेशन का आपका अभी वीडियो आने वाली है जल्दी बनाऊंगा मैं स्टिलाइजेशन के ऊपर अगर आप कमेंट करते हैं बच्चे कमेंट नहीं करते हैं, हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जिस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए आप उसमें कमेंट कीजिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आते हैं किसी टॉपिक के बारे में तो उसके बारे में एक वीडियो मैं बना देता हूँ ठीक है तो माइक्रोबायोलॉजी के अभी हमारे काफ़ी वीडियो पेंडिंग है तो उनको भी लेके आऊँगा देखिए बॉइलिंग आपका सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और आपका मोर देन वन हंड्रेड डिग्री टेम्परेचर पर होता है होटे रोमन जो तब आपका ड्राई हिट्स के अंदर आता है और राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा यहाँ पर उन्होंने क्या बताया मोस्ट हीट मोस्ट हिट के अंदर आपका बॉइलिंग भी रोटोकोलिंग दोनों आते हैं ए एंड बी तो राइट ऑप्शन आ जाएगा हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी नेक्स्ट है आपका विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन हैज द हाइस्ट प्रोपोर्सन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में काम पाया जाता है हमारा लीवर में मसल्स में बोन में ठीक है तो राइट ऑप्शन हमारा यहां पे आ जाएगा बोन बोन्स के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं नेक्स्ट है हमारा वन ऑफ फॉलोइंग इज रिड्यूस रिड्यूज शुगर रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है हमारे यहाँ पे ठीक है रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं कि वो मोनोसक्राइट्स होती हैं रिड्यूसिंग शुगर लेकिन यहां पे थोड़ा अलग से पूछा है इन्होंने यहाँ पे आइसो आइसोमाल्टोज ट्री हेलोज और सुक्रोज सुक्रोज आपकी डाइसेक्राइड्स होती हैं ठीक है ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज के मिलके दोनों लिंक आपस में मिलते हैं तब आपका सुक्रोज बनता है और आइसोमाइटोज क्या होते हैं सिमिलर होते हैं माल्टोज के सिमिलर होती है ये और क्या करती है ये हमारी हाँ ये एक माल माल्टोज के सिमिलर होते हैं यहाँ पे ठीक है तो और हमारे जो रिड्यूसिंग शूगर्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स होते हैं गलेक्टोज फ्रैक्टोज ये सब भी हमारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं यहाँ पे ट्री हेल्स जो होते हैं ये आपके एक शुगर्स होते हैं जो बैक्टीरिया फंजाई प्लांट, प्लान्ट से इन सब के साथ में जुड़े होते हैं नॉन नॉन रिड्यूसिंग सब चांस होता है आपके जो बी वाला ऑप्शन है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ये ठीक है नेक्स्ट आपका शुगर प्रजेंट इन आर एन ए आर एन ए फुलॉर्म क्या होते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड ठीक है उससे आपको फुल फॉर्म से पता चल रहा है तो राइट ऑप्शन आपका, आपका यहाँ पे आ जाएगा राइबोज राइबोज कौन सा डी रायबोज इसके अंदर होता है ठीक है डी राइबोज राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है राइट ऑप्शन कहीं कहीं पर आपको डी राइबोज मिल जाएगा तो ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर सिंगल राइबोज लिखा है कहीं पर डी राइबोज मिल जाता है तो डी राइबोज लिखना होता है पाँच तरह की कार्बनस के अंदर होती हैं आर एन ए के अंदर फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम्स एक्टिविटी एंजाइम्स हमारे किस पे काम करते हैं पी एच पे कंसनट्रेशन टेम्परेचर सभी चीज़ें एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ थायरॉयड डिजीज थायरॉयड की डिजीज को स्क्रीनिंग करने के लिए हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है थायरॉयड को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर कोई भी होता है टी एस एस करवाते हैं बेटा आप टी एस एच करवा लीजिए ठीक है तो टी एस एच जो होता है स्क्रीनिंग टेस्ट होता है अगर कम होता है ज़्यादा होता है तो एक आप आइडिया लगा सकते हो उसके बाद फिर डॉक्टर दूसरे टेस्ट आपको एडवाइज़ करते हैं तो राइट ऑप्शन आपके यहाँ आप पर आप आ जाएगा थायरॉयड स्टूमेटिक हार्मोन ऑप्शन ए इंडियन इंक इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बैक्टीरिया इंडियन इंक किसके लिए करते हैं हम लोग कैप्सूल लिए करते हैं इसके अंदर क्या होता है जो बैक्टीरिया होता है वो कलर नहीं लेता उसके साइड के जो एरिया होता है वो कलर लेते हैं उसमें ठीक है हेपेटाइटिस वायरस डेट स्प्रेड बाय फिकल ओरल रूट फिकल ओरल रूट से हमारा हेपेटाइटिस ए स्प्रेड होता है हेपेटाइटिस ए फैलता है फिकल ओरल रूट के द्वारा हेपेटाइटिस बी होता है वो आपका ब्लड से सीमेंट से बॉडी फ्लूड से इंजेक्शन से सेक्सुअल कंटामिनेशन से प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम पे इन सब में मेंपेटाइटिस बी आपका हो जाता है हेपेटाइटिस सी होता है वो आपको ड्रग्स यूज वगैरह करते हैं ब्लड से होता है इंजेक्शन से होता है ठीक है और आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हेपेटाइटिस सी फैलता है इस तरह हमारा हेपेटाइटिस डी जो है वो भी आपका ब्लड से बॉडी फ्लूड वगैरह से टैटू वगैरह से इंजेक्शन से इन सभी चीज़ों से ये हेपेटाइटिस मोस्टली फैलते हैं लेकिन हेपेटाट ए होता है वो आपका सिर्फ ओरल या फिकल ओरल रूट से गंदे पानी से खाने खाने से गंदा खाने से इन सब से ज़्यादा कर ये होता है विच ऑफ फॉलोविंग्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आर प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक का काम कौन करता है बिल्डिंग ब्लॉक का, का काम प्रोटीन करता है तो यहाँ पे प्रोटीन है कौन सा एक ही है यहाँ पर प्रोटीन्स विटामिन है लिपिड्स है अमाइन्स है अमीनो एसिड तो अमीनो एसिड यहाँ पे राइट right ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है हमारे जो टिश्यू जो होते हैं उनको रिपेयरिंग का काम करना शरीर को मजबूत करना शरीर को तगड़ा बनाना यहाँ पे ये काम है बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब ये है जो टिश्यू डेड हो चुके हैं उनको रिपेयर करना एंटीबॉडी बनाना शरीर के अंदर ये सभी नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स रेड ब्लड सेल्स क्या है क्या फंक्शन होते हैं कैसे बनती हैं पूरी वीडियो आपको हिमाथोलॉजी के चैप्टर मिल जाएंगे यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन हैं जो आपकी इनकी वीडियो बनी हुई है उनको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके इमेटोलॉजी चैप्टर प्लेलिस्ट लिस्ट सेलेक्ट करके तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होता है आर बी की आर बी सी जो शेप होती है वो बाइकोन की डिस्क शेप होती है ना बाइकोन की मतलब बीच से चप, दबी हुई होती है और साड़ी किनारे उसकी मोटी होती है बाइकोन की होती है वो ठीक है आर बी सी का लाइफ स्पिन आपका वन ट्वेंटी डेज होता है अक्सर एग्जाम के अंदर मिलता है आर बी सी का फॉर्मेशन रेड बोन मेरो के अंदर होता है और आर बी सी का जो कब्रिस्तान होता है वो हमारा होता है स्प्लिन ये चार पांच चीज़ें आपको याद रखनी है द कार्डिक एंजाइम टू एलिवेट फैस्ट ड्यूरिंग माई कार्ड इन के दौरान सबसे पहले इन सभी में कौन सा टेस्ट इंक्रीज होता है आपका एल डी एच एल टी एस टी सी के तो देखिए इनमें से आपके जो एंजाइम्स होते हैं हार्ट के आपका सी के भी एंजाइम है एल डी एच के लिए होता एल डी एच ये भी हार्ट के लिए होता है और आपका ए एस टी है जी ओ टी ये हार्ट किले होते हैं ए एल टी आपका हार्ट के लिए नहीं होता ए एल टी स्पेशली होता है लिवर के लिए ठीक है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो तो राइट ऑप्शन आएगा वो हमारा आ जाएगा बी सी के अब मैं आपको बताता हूँ हार्ट के लिए सबसे पहले जो बढ़ता है एंजाइम वो होता है आपका ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन आपका विद इन दो से तीन घंटे के अंदर आपका बढ़ जाता है और दो चौबीस से लेके अड़तालीस घंटे के अंदर तो पीक लेवल पे चला जाता है पीक लेवल का मतलब हाईएस्ट मात्रा में पहुँच जाता है वो ठीक है सी पी के एम भी आपका सी और सी भी उसके बाद पाँच से चौदह दिन के अंदर वो धीरे 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 डाउन में चला जाता है अपने अपने आप डाउन डाउन में चला जाएगा अब दवाई भी नहीं लोगे ना तब भी डाउन में जाएगा वो उसके बाद फिर आप दूसरे टेस्ट करवाते हैं एल होते हैं और भी माओग्लोबिल होते हैं और भी टेस्ट होते हैं हार्ट के कई बार ये नहीं आते हैं तो डॉक्टर दूसरे टेस्ट एडवाइज़ करते हैं भाई वो करवा के देखिए उससे पता चलेगा क्योंकि उनको पता था टाइम पीरियड होता है हर टेस्ट का एक टाइम पीरियड होता है अपना अपना ठीक है इस तरह से सी का टाइम पीरियड होता है आपका तीन से बारह घंटे में एकदम पीक लेवल पर चला जाए। तीन से बारह घंटे में बढ़ जाएगा आपका छः से बारह चौबीस घंटे के अंदर आपका पीक लेवल पर चला जाता है ठीक है तो इस तरह से इनका एक टाइम पीरियड होता है फिर धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं फिर दूसरे टेस्ट बढ़ने लगते हैं तो इस तरह से जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो इन टेस्टों के हिसाब से एक आइडिया लगाते हैं भी आपको हार्ट कब आया था कितने टाइम पहले आया था तो उसका आइडिया लगता है ल्यूकोसाइट काउंट दैट विल इंक्रीज ड्यूरिंग पैरासाइटिक एंड एलर्जिक रिएक्शन ल्यूकोसाइट कौन सा ल्यूकोसाइट होता है जो एलर्जिक टाइम पे बढ़ता है आपका पैरासाइट में बढ़ता है यहाँ पे ठीक है तो स्नोफिल्स न्यूट्रोफिल बेसोफिल्स फिल्सो तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे आ जाएगा स्नोफिल्स ठीक है दोस्तों तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैंस लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा देखो लाइक आप करते हो तो उसी हिसाब से मेरे के अंदर एक मोटिवेशन आता है कि भाई और अच्छे अच्छे हम सी कुछ आपके आप सभी के लिए लेके आऊँ किस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ आप सभी के लिए ठीक है और अब हमारे कुछ फॉलो चे चैनल्स हैं हमारे जैसे कि इंस्टाग्राम है लिंकड है ट्विटर है आप जो भी चैनल चलाते हैं सभी आप फॉलो कीजिए पी वगैरह डाउनलोड आपको ये इसकी पी डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे पे आप आर डी मेडिकल साइंस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर लीजिएगा कुछ वैसी वीडियो होती है जो हम नहीं बना पाते जल्दी जल्दी में एडवर्टाइज न्यूज़ वगैरह उसकी निकलती है आपकी गवर्नमेंट जॉब की होती है कोई एडमिट कार्ड की होती है तो हम वीडियो नहीं बना पाते हैं उनको हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं वहाँ से बच्चों देख लेते हैं जितने बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं उन सबको वहां पर मिल जाती है ठीक है तो प्लीज़ आप इन सभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा हैं व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी का सभी का लिंक का मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं उन सभी को द क्लिनिकल लेबोरेटरी द एब्रीवेशन सी एस एफ इज यूज फॉर क्लिनिकल लेबोरेटरी एब्रीवेशन सी एस एफ यूज फॉर क्लिनिकल सीरम की फुल फॉर्म पूछ रखे यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके मिल जाएंगे सी एस एफ स्टैंड फोर है उसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं कुछ बच्चे को कन्फ्यूज करने के लिए तो राइट right ऑप्शन आएगा यहाँ पर सरीब्रोस्पाइनल फ्लूड तो सी एस एफ का पहले भी एक क्वेश्चन आया हुआ था अब भी आया हुआ है और एक सी एस एफ एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बना रखा आप उसको जाकर जरूर देखिएगा एक बार तो राइट ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा यहाँ पर सैरिब्रो स्पाइनल फ्लूड विच टैच इज़ हाईली सेंसिटिव टू लाइट एंड मस्ट बी कैप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट लाइट ऐसा कौन सा टेस्ट है जो लाइट से डिक्रीज हो जाता है ठीक है लाइट के उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो राइट ऑप्शन आएगा हमारे यहाँ पे बिलरूबिन सॉरी <coughs> बिलरूबिन जो होता है हमारा लाइट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो आप आपने कभी देखा वो छोटे बच्चे जब डिलीवरी होती है उनके बच्चों के बेबी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं डिलीवरी के बाद डॉक्टर कहते हैं इसको बहुत ज़्यादा जोंडिस हो रखा है इसको लाइट में रखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है वो उस बच्चे को जो लाइट है वहाँ पे लिटा देते हैं उसके ऊपर जो लाइट लगाई लगी रहती है वो उसको लाइट डिटेक्ट करती है बिल रूबिन को ख़त्म करती है ठीक है तो बिल रूबिन की वीडियो भी आपको मिल जाएगी छोटे बच्चों को बिल रूबिन वगैरह कैसे कंट्रोल में किया जाता है कितने कंट्रोल में बिल रूबिन शरीर के अंदर येलो शो करने लगता है पूरी आपकी वीडियो मिल बना रखी मैंने उसको देख लीजिएगा और लास्ट क्वेश्चन होने वाले हमारे थ्री टाइप ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्लूड एसिटोस्टिक एसिड बिटाइड्यूट्रिक एसिड अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था मैंने बता चुका है इसको तीन टाइप कीटोन बॉडीज होती है आप एसिटोन एसिटोस्टिक एसिड बिटाइड्यूट्रिक एसिड ठीक है तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा एसिटोन टेस्ट प्रोसीजर दैट यूज इज वेस्ट ग्रीन ट्यूब वेस्ट ग्रीन ट्यूब हम किसके लिए यूज करते हैं एर्थोसाइटरेट ये सार के लिए ठीक है ई एस आर के दो मेथड होते हैं विंट्रो मेथड से एक वेस्टिंग ग्रीन से तो यहाँ पर इन्होंने वेस्टिंग बता रखा है तो राइट ऑप्शन आएगा हमारे यहाँ पे ई एस आर ई एस आर की दो वीडियो मैंने बना रखी पूरी डिटेल से बना रखी है आप उनको जरूर देखिएगा इमेटोक्रेट क्या होता है इमेटोक्रेट एच पी का तीन गुना इमेटोग्रेट होता है और विंट्रो मेथड से हम इमेटोक्रेट करते हैं और एक इमेटोक्रेटिकरी मैथड भी होता है इमेटोक्रेट का ठीक है रेड क्या होता है इमेच और आर बी सी होती है सुपरवाइटर स्टेन इसमें यूज किया आर एन ए कलर लेता है इसमें ठीक है और इसके अंदर आपका एन एन एम बी और आपका बी सी बी स्टेंट यूज की जाती हैं एन एम बी होता है न्यू मिथाइलिन ब्लू और बी सी बी होता है ब्रिलियंट क्रिस्ट, क्रिस्टल ब्लू ये आपके रिजेंट स्टेनिंग यूज की जाती है रेटिकुलोसाइट काउंट के अंदर एलायजा क्या होता है एनजा लिंकड इम्यूनोसोरबेंटेस्ट ये फुल फॉर्म होते हैं एलायजा की वीडियो मैंने बना रखी है उसको आप देखिएगा तो दोस्तों ये थे वन फिफ्टी क्वेश्चन इसकी तीन वीडियो मैंने बनाई है तीनों वीडियो आप देखिएगा और अपनी बुक वगैरह में नोटबुक में इनको नोट डाउन कर लीजिएगा एम सी क्यूज को कोई भी एग्जाम होता है तो आप उनको एक बार फट जल्दी जल्दी देख लीजिएगा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर बार इसमें एग्जाम्स में आकर आते रहते हैं तो गाय वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पे मेरा ग्रुप भी है आर डी मेडिकल साइंस के नाम से फेसबुक पे ग्रुप है आर डी मेडिकल साइंस के नाम से फेसबुक पेज है आर डी मेडिकल साइंस के नाम से सबको ज्वाइन कर लीजिएगा आप कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई नई चीज़ मिलती रहेगी ठीक है हर चीज़ यूट्यूब पे अपलोड नहीं की जाती कुछ चीज़ें वैसे अपलोड कर देते हैं पेज पे कुछ टेलीग्राम पे हो जाती हैं तो हर चीज़ हर जगह आप रहेंगे तो आपको कोई भी जानकारी ऐसे आप आपको अपडेट मिलता रहेगा हर चीज़ का आपको अपडेट मिलता रहेगा थैंक यू